नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए स्क्रैप बॉर्डर लेकर आई हूँ। ये देखिए, बहुत छोटा छोटा डिज़ाइन है ये और बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसे कार्डिगन में आप इसे बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 6 मल्टीपल फंदे लेने हैं। अब हम बनाएंगे फर्स्ट रो। सीधा बनाएंगे, फर्स्ट रो को सीधा बनाकर इसे हमने कंप्लीट करना है। सभी फंदे सीधे बना लें। फर्स्ट रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे सेकेंड रो। सेकेंड रो बनाने के लिए एक फंदा हम इसमें उल्टा बनाएंगे। और ये 5 फंदे हम एक साथ ले लेंगे। और 5 फंदों को इनको 5 का एक बना देंगे, ये देखिए। और इनको अब हम निकाल देंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर ऐसे ही 5 फंदे हम एक साथ लेंगे, इनको थोड़ा लूज़ कर लें, ये देखिए। और 5 फंदों को एक साथ बनाएंगे और इसको एक कर देंगे, ये देखिए। फिर एक फंदा इसमें उल्टा बनाएंगे। फिर ऐसे ही 5 फंदे एक साथ लेंगे और इनको हम उल्टा बना लेंगे, ये देखिए। फिर उल्टा बनाएंगे, 5 फंदे लेंगे और इनको उल्टा बना लेंगे। फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे, ये देखिए। एक फंदा उल्टा और 5 इसमें एक साथ, इस तरीके से हम बना लेंगे सेकेंड। सेकेंड रो को हमने कंप्लीट कर लिया, अब बनाएंगे थर्ड रो। थर्ड रो बनाने के लिए ये हमारा सीधा फंदा बनेगा। ये फंदा हमने इस साइड में एक फंदा उल्टा बनाया था, इस फंदे को यहाँ पर हमने सीधा बनाना है। अब ये 5 फंदों का हमने एक बनाया था, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और धागे को आगे करेंगे। उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, सीधा बनाएंगे, फिर धागे को आगे करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4 और ये यहाँ से हमने 5 बनाना है। 5 फंदे जो हैं हमारे यहाँ पर पूरे हो गए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ही फंदे हमने यहाँ पर बनाए थे। धागे को हम पीछे रखेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ये वो फंदा है जो हमने पीछे एक सिंगल उल्टा बनाया था। अब ये 5 में से बनाना है, ये हमने इसको सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, धागा आगे। 4 फंदे बने हैं इसमें से और अब ये 5 फंदे, 5 फंदे हमने इसमें पूरे कर दिए। इसको हम निकाल देंगे। फिर सीधा बनाएंगे एक फंदा। ये 5 फंदों का एक किया था, इसमें से सबसे पहले हम सीधा बनाएंगे एक, धागे को आगे करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, फिर धागा आगे, धागा पीछे और एक सीधा। ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर ये पूरे हो गए हैं, देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। फिर रिपीट करेंगे, सीधा बनाएंगे, धागे को पीछे ही रखेंगे, फिर इसमें से हम सीधा बनाएंगे, जहाँ 5 में से हमने एक किया था, सीधा, फिर धागा आगे करके उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये 5 फंदे हमारे यहाँ पर पूरे हो गए, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। एक फंदा सीधा, फिर ये 5 फंदों में से एक किया था, फिर ऐसे ही सीधा बनाएंगे। पहले धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे और सीधा। थर्ड रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट। थर्ड रो बनाने के लिए हमने सभी फंदे इसमें उल्टे बनाने हैं। अगर आप इसमें और ऊपर बॉर्डर बनाना चाहते हैं उल्टे सीधे का, या दो उल्टे
दो सीधे का बनाना चाहते हैं तो आप इस बॉर्डर को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक उल्टा एक सीधा कर, या फिर इस रो को आप इसमें उल्टा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये रो उल्टा बना रही हूँ, इस रो को उल्टा बनाकर मैं कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इजी है ये बॉर्डर बनाना। अब आप इसके बाद इसे कंटिन्यू दूसरा डिज़ाइन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आप यही वाला डिज़ाइन जो है रिपीट करते जाएंगे तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और इस बीच में इतना ही बॉर्डर रखकर और आप उल्टा सीधा बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। इसके ऊपर आप जो डिज़ाइन अपने हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं और बॉर्डर इस तरीके से आप बना सकते हैं। बहुत इजी बॉर्डर है। अब हमारे जितने भी फंदे हमने कम किए उतने ही फंदे हमारे यहाँ पर पूरे हो गए हैं। लास्ट में अगर आपको लगता है कि एक दो फंदे आपके एक्स्ट्रा, तो आप उन्हें सीधा बनाकर आप उसे बना लें, और उसके बाद जब हम स्टिच करते हैं तो वो फंदे हमारे स्टिचिंग में आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका बॉर्डर जो है ये इस तरीके से बन जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।